Welcome back to our channel, Little Curves. So we are in Chandigarh now and we thought of making a Q&A video here. So this is the Q&A video part 2 which we have promised to do. And I have come up with random questions. Abhi ye bhi maine Pinterest se nikale. Let's see how many we can do or maybe ye questions se aap log hame bahut acche se jaan lete ho. Haan. So let's get started. Don't you know that you're beautiful? Just the way you are, just the way you came. So we are using these Pinterest questions. So pehla question hai, where did we meet? ये अच्छा आज के जो Q&A आज हम दोनों आंसर करेंगे मतलब इकट्ठे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड वी मीट. अगर फर्स्ट टाइम की बात करें तो हम मिले थे सबसे पहले 23 दिसंबर. अगर यार हमने एक दूसरे को देखा. मीट मतलब मिलना होता है. ओके मीट मतलब मिलना होता है. सो सो वेयर डिड वी मीट. वी मेट ऑन 23rd of December 2011. देख गॉड अरे वाह 11. ओ आई वाज राइट. गॉड से तुम्हें देखिए 12 तक तो हम एंगेज्ड हो गए थे. हां चलो माय नीज इज आल्सो विद मी सो प्लीज थोड़ा बहुत शो रहा है. सो सेकंड इज वेयर वाज आवर फर्स्ट डेट. लीला मुंबई लीला वेयर ही वाज स्टेइंग विद हिज फादर. व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मी. मेरा था ये कितना किड टॉल है. आई वाज लाइक शिट ही 6'4" ये कितना टॉल है यार. वैसे ये इंप्रेशन मेरे पूरे घर वालों का था. एंड सेकंड ही वाज जस्ट लुकिंग. तो मेरी दादी तो बहुत ऐसी थी यार ये छोटा बच्चा है. और मेरे लिए फर्स्ट इंप्रेशन था इसके लिए कि यार ये कितनी भोली है. बहुत भोली है. मैंने क्या भोलापन किया तुम्हारे सामने. ऐसे ही बस मुझे बहुत भोली लगी थी ये. मैं हुई अच्छी. When did you meet the family? On day one. On the first day we met via family. Like it is a love marriage. We were dating. Like, but we हमने starting से अपनी families को. तो families ही हमारे through build रही थी. Maybe it's the first time for them, not for me. Do I have any weird obsessions? If so, what? सोचो ना. मैं उसी को. हाँ. So weird obsession. यार एज सच तो नहीं थी कि किसी चीज़ के पीछे हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस जो ना मुझे नहीं लगता ना मैं था ना खुशबू थी कि कोई बड़ी अजीब और गरीब सी हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश हो कि यार या ऑब्सेशन हो कि हम बिल्कुल इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और हमें ये नहीं, चाहिए थी. ऐसे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी. है ही नहीं. ओके हाउ लॉन्ग हैव वी बीन टुगेदर. एज पर टुडे वी हैव बीन टुगेदर. हम 2011 सेकेंड अक्टूबर को हमने फर्स्ट टाइम बात करी थी. तो डू द मैथ अराउंड 8.5 ईयर्स हो गए हैं. ऑलमोस्ट 8.5 ईयर्स हो गए हैं. डू यू हैव एनी ट्रेडिशन विथ योर BF और GF. अब मेरी तो नहीं थी कोई. ही इज ऑन माई फेसबुक बट इट डजंट मैटर टू मी. हाँ वी आर ओके विथ इट. मतलब एक दो बार बात भी हुई थी बट वी आर ओके विथ ऑल दीज थिंग्स. हमें इतना मैटर ही नहीं करता. ओके व्हाट वाज योर फर्स्ट रोड ट्रिप. तो कौन सा था हमारा फर्स्ट रोड ट्रिप. यू नो हम ये वीडियो कहाँ बना रहे हैं चंडीगढ़ में और हमारा फर्स्ट रोड ट्रिप था. यस एग्जैक्टली. सो आवर फर्स्ट रोड ट्रिप वाज टू चंडीगढ़ और हमें मैरिज हुए जस्ट अभी तब 1.5 मंथ्स हुए थे. एंड खुशबू चाचा वॉज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई और वो घूमने आ रहे थे यहाँ पे. तो दिल्ली का उनका प्लान नहीं था. तो मैंने कहा था खुशबू को कि देख अगर तूने मिलना है तो अभी क्योंकि घर अभी खुशबू गई नहीं थी थोड़ी सी सैड भी हो जाती थी यार. ऑब्वियसली दिल्ली से मुंबई फिर मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई खुशबू तो थोड़ा सा तो यार होता ही है. तो मैंने कहा चल चंडीगढ़ चले जाते. तो ये हमारा फर्स्ट रोड ट्रिप था. ओके सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस्ड अबाउट मी. आई नोटिस्ड योर हाइट एंड आई नोटिस्ड योर भोलापन. खुशबू का फेवरेट रेस्टोरेंट है बारबेक्यू नेशन. क्योंकि उधर सोचना नहीं पड़ता. तू बता. जेपी ग्रीन्स.
हाँ, वन ऑफ माय फेवरेट। और कौन सा है तुम्हारा? सिटी पार्क एनी डे। व्हाट डू वी आर्ग्यू द मोस्ट? अच्छा, व्हाट वी आर्ग्यू द मोस्ट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज नाउ वी वर्क टुगेदर, तो हर चीज में दोनों का अलग अलग दिमाग चलता है और एवरीथिंग लड़ाई कटाई सब होती है। हु वेयर द पैंट्स इन द रिलेशनशिप? मी। जोक, इट्स मी हु वेयर द पैंट्स इन द रिलेशनशिप। सिर्फ पैंट ही पहनती है और कुछ नहीं। इफ आई एम वॉचिंग टीवी, व्हाट एम आई वॉचिंग? खुशबू अगर टीवी देख रही है तो खुशबू का ना कुछ फिक्स नहीं है कि वो क्या, कि यही चीज देखेगी। मतलब उसे अगर कोई भी, अगर कोई बाई चांस कोई मूवी हो, चाहे कोई वो 1970s की क्यों ना कोई मूवी आ रही हो, खुशबू वो देखने बैठ जाएगी। कभी कोई सास बहू का सीरियल ऐसे रैंडम लग गया, डॉक्यूमेंट्रीज शी ऑलवेज वॉचेज ऑन हर मोबाइल, मतलब यूट्यूब वगैरह पे। लेकिन हाँ, शी लव्स वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, ये तो है। लेकिन टेलीविजन पे इसको कोई सास बहू का सीरियल भी आ रहा होगा बाई चांस, जैसे कोई इसने लगा दिया तो चल रहा है। इसके कोई ऐसा जी नहीं है कि मेरे को यही चीज देखनी है, और इसका कोई एक चैनल नहीं है कि यार ये मेरे को ये सीरियल देखना ही देखना है। हम अपने अपने दे रहे हैं, तो मेरा बता। यू लव वॉचिंग डिस्कवरी, मेनली वो साइंस टेक्नोलॉजी वाले जिसमें मशीन्स एंड आल्सो इंग्लिश मूवीज। हाँ, ही लव्स वॉचिंग। व्हाट इज वन ऑफ द फूड आई डोंट लाइक? अच्छा, आदित्य डजंट लाइक दाल, ऐसी सिलेक्टिव दाल है जैसे हरे मूंग हो गए, ही हेट्स। नहीं ऐसा, अच्छा प्लीज फिर मैं कल ही बनाऊंगी सुबह। खुशबू का टींडे। हाँ, मेरे को ना वाटर वाली, जबकि ये बहुत हेल्दी होती है, बट मैं वाटर वाली सब्जियाँ अगर मैश करके किसी चपाती में डाल के दे दो तो ठीक है, बट अगर आप उसको एज अ सब्जी या एज अ ग्रेवी खाने के लिए बोलो तो आई कांट ईट। व्हाट ड्रिंक डू वी ऑर्डर व्हेन वी गो आउट? वर्जिन मोहितो। हाँ, बट अगर जैसे जब गला वाला ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन रहती है वर्जिन मोहितो, सेकंड रहती है कोल्ड कॉफी, और अगर गला ठीक नहीं है तो हॉट कॉफी या हॉट चॉकलेट। व्हाट साइज शूज डू आई वेयर? अच्छा, डू आई वेयर, चलो बताओ। खुशबू का है 6 नंबर, कुछ में 6 to 7 नहीं, कुछ में देखो 6 भी आ जाता है। अच्छा, और तुम्हारा 12? नहीं, मेरा 11 to 12। देखियो, ईगो हर्ट हो गई। हाउ वाज आई राइट? ओके, व्हाट इज माय फेवरेट काइंड ऑफ सैंडविच? बॉम्बे सैंडविच। चलो अगला। और तुम्हारा बता। बॉम्बे सैंडविच चटनी वाला। चलो ठीक। ओके, व्हाट इज वन टैलेंट आई हैव? इसके पास होता है क्या टैलेंट है? ही ये कैसे भी करके ना अपनी बात मनवा देगा। ही हैज दैट कन्विंसिंग पावर, मतलब ये ऐसे करके बोलेगा ना कि यू विल गेट कन्विंस्ड कि ये करते हैं। मेरे को खुशबू का ना टैलेंट अच्छा लगता है कि जब वो पढ़ती है ना, इसका पढ़ने का तरीका अच्छा है। वो ऐसे पढ़ती है कि आपके दिमाग में बैठेगा। अगर इससे तुम 10 साल के बाद भी वो चीज़ पूछोगे ना, 100% नहीं लेकिन फिर भी इसे 60-70% उस चीज़ के बारे में पता होगा। हम तो रट के तब पास हो जाते हैं, बट इसका अलग है। सो व्हाट वुड आई ईट एवरी डे इफ आई कुड? If I could, you answer for me. खुशबू खाएगी एक तो ये कुरमुरा भेल, she loves to eat. अगर घर पे आया हुआ तो ये रोज इसने खाना ही खाना है रोज, ठीक है। और बस एक बता दिया मैंने, अब तू बता। वड़ा पाव। वड़ा पाव तो रोज नहीं, वड़ा पाव अच्छा लगता है इसे लेकिन ये रोज नहीं खा सकती। मैं लिख के देता हूँ तो खा ही नहीं सकती रोज। कुरमुरा तो रोज खाती है। और You will eat pizza. रोज नहीं खा सकता। छोले कुलचे। नहीं रोज नहीं खा सकता। फिर तुम कुछ भी नहीं खा सकते, चुप हो जाओ। रोज आई ड्रिंक कॉफी, आई कैन हैव कॉफी एवरी डे। देखा, इसको बता भी नहीं था। ऐसे बोलने जाते पानी में रोज। अब ओके, व्हाट इज माय फेवरेट सीरियल? नॉट सीरियल, टीवी वाला नहीं, खाने वाला। अच्छा सीरियल, इसका कुछ भी नहीं। फेवरेट सीरियल क्या? आई लव जवार बाजरा वीट। अच्छा सीरियल होते हैं? हाँ, सीरियल एंड मिलेट। व्हाट, ये नहीं क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा। व्हाट इज माय फेवरेट म्यूजिक? खुशबू का फेवरेट म्यूजिक है अब इस टाइम पे पंजाबी। हाँ, लाउड म्यूजिक आई लव। व्हाट इज योर फेवरेट म्यूजिक?
आप बताओ. He loves loud Punjabi music. He loves Hollywood song. नहीं, मतलब English songs. ठीक है. What is my favorite sports team? नहीं, मेरी तो कोई भी नहीं है. Nor I watch sports. खुशबू को sports में interest नहीं है. कुछ नहीं देखती. मैं को भी स्पोर्ट्स में मेनली क्रिकेट में इंटरेस्ट है. वो भी इंडिया यार ऑब्वियसली. व्हाट इज माय आई कलर? खुशबू का ब्लैक है यार. डोंट टेल मी मेरी आंखें ब्राउन है. थोड़ी हल्का सा ब्राउन है इसमें. टिंटिश है. टिंटिश नहीं, इट्स ब्राउन. योर्स इज ब्लैक. मेरा तो ब्लैक है बिल्कुल. इतना भी नहीं पता. हद हो गई. ठीक है, थोड़ा सा है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. देखो जरा. इतना भी ना बताओ तो क्या बताओ फिर. Who is my best friend? You are my best friend. हाँ, you are my best friend. Even I am your best friend. बोल तो देते. हाँ, वो तूने बोल दिया ना. What is something you do that I wish you didn't? I wish. ऐसे तुम क्या चीज करते हो जो मैं चाहती हूँ कि तुम ना करो? हाँ बता. I wish कि तुम इतने punctual ना हो, because उसकी वजह से मेरे को बहुत punctual होना पड़ता. नहीं, I wish कि तुम थोड़ा सा ना smartly सोच के काम करो, ताकि मेरा BP ज़्यादा ना बढ़े. This is what I wish. And I wish कि कभी मैंने ऐसे बिना सोचे कोई काम करा तो खुशबू हर चीज़ में उसका उस पर अपना BP ना बढ़ाए. अच्छा. Where am I from? अगर question ऐसा है where she is from, धरती की है. टट्टी आंसर मत दियो यार. मुंबई से है. यू आर फ्रॉम दिल्ली. व्हाट काइंड ऑफ केक वुड यू लव टू बेक ऑन माय बर्थडे? अगर मैं खुशबू के लिए केक बेक करूं तो उसके इसके लिए चॉकलेट केक ऑब्वियसली. चॉकलेट ट्रफल. एंड अगर मैं भी कर रही हूं तो ही विल लव चॉकलेट ट्रफल. मैं को तो केक दे दो, खा लूंगा. पर फ्रूट नहीं होना चाहिए. ओके. What can I spend hours doing? I love watching documentaries. और मेरा सोना. नहीं नहीं. हाँ, तुम ये काम करते हो. अगर मेरे को वेला फ्री टाइम मिल जाए ना तो उस टाइम पे मेरे लिए सोना सबसे लीस्ट. ये ना उस समय कार्स के रिव्यू देखेगा बस. उसमें मैं भी मतलब टीवी मोबाइल कार्स की वीडियो देखना बहुत पसंद तो इसलिए वो नहीं है. मतलब इतना वो प्रायोरिटी नहीं है. Okay, last question. If I could live anywhere, where could it be? मैं खुशबू का बताता हूँ. इंडिया. इंडिया में दिल्ली, मुंबई, गुजरात यहाँ रह सकते हैं. हाँ, but if anyone tells me कि मेरी पूरी फैमिली कहीं जा रही है, so I'll live in Switzerland. अगर पूरी फैमिली जाती है तो जो कि कभी हो नहीं सकता. हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी यार इंडिया इंडिया है. इंडिया even yours is same. अगर कहीं बोला जाए तो वी विल बी वेरी कंफर्टेबल लिविंग इन इंडिया. स्पेशली इफ यू आस्क मी, आई विल बी कंफर्टेबल इन लिविंग इन मुंबई विद माय बोथ द फैमिलीज. आई कांट लीव नाउ माय बोथ द फैमिली. सो तुम्हारा भी सेम ही होगा. मेरा भी सेम है. तो उस यार इंडिया नहीं छोड़ सकते. मतलब दिल्ली, मुंबई, अभी गुजरात. वैसे दिल्ली, मुंबई हम बेसिकली नहीं छोड़ सकते. मेरे को भी चंडीगढ़ बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं भी बड़े टाइम के बाद आया चंडीगढ़. तुम तो चंडीगढ़ आते रहते थे ना. हां, तो चंडीगढ़ यार देखो जो भी है, प्लांट सिटी है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, पोल्यूशन नहीं है. मिला सच काइंड ऑफ प्लेस. हमें शांत जगह अच्छी लगती है. और यहाँ पे हैपनिंग भी है बहुत. मतलब खाने पीने को और वो सब बहुत सही है, बहुत अच्छा है. सो दिस क्यू एंड ए इज जस्ट प्रिपेयर्ड जस्ट बिकॉज यू विल नो अस बेटर एज टू हाउ वी आर, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट ऑल्सो बिहाइंड द कैमराज व्हाट वी थिंक. क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, हम इन्हें बिल्कुल नहीं देखते. एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो टू. सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बटन लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड मोर वीडियोज. Thank you so much for watching. Do follow me on Instagram to get more pictures of Chandigarh and enjoy this little curved family with us. Okay, bye. Bye.